कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय पर पेंशनर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त SB सिन्हा ने अनाथालय से आए अनाथ बच्चों को पौधा देकर सम्मानित किया तथा साथ ही वर्तमान सदस्यों के पेंशनरों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन आदेश की प्रति हस्तगत करते हुए उन्हें सम्मानित किया गया एवं उनका अभिनंदन किया गया, जिसके संबंध में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय आयुक्त अभ्यानंद तिवारी ने बताया कि गोरखपुर कार्यालय में अपने समाधान कार्यक्रम के अंतर्गत जिस तरह से कर्मचारियों के समस्याओं का समाधान किया गया है वह काफी सराहनीय है। काफी दिनों से कुछ श्रमिकों का पेंशन नहीं मिल पा रहा था तो कर्मचारियों को पेंशन वितरित किया गया। उन्होंने बताया कि ACN सहयोगी संस्था द्वारा अनाथ बच्चों को कार्यालय पर बुलाकर पौधा देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त SB सिन्हा, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त शशांक जायसवाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय आयुक्त अभ्यानंद तिवारी ने कहा, आज जो बहुत ही खुशी का मौका है, सर हमारे यहाँ से डिस्पैच भी करते हैं और कई बार ऐसा भी हुआ है कि सर अपने हाथों से ही उनको वितरित करते हैं। तो आज इस खुशी के मौके पे जब अपर केंद्रीय आयुक्त भेंट की जाएगी, इनका नाम मैं बुला रहा हूँ, हृदय से सबका स्वागत है। इस कार्यक्रम की पृष्ठभूमि में जो मूल मंतव्य है वो यह है कि जिस विचार या जिस कल्पना से इस ऑर्गेनाइजेशन इस संगठन का स्थापना की गई उसी को प्रेरित किया, उसी को समर्थित करना है। मूलतः आज जिन पेंशनर्स को हमें इन्वाइट किया है उनके सम्मान के लिए, ये वो लोग थे जो सालों से अपनी जो उनका हक बनता था सर उसके संदर्भ में किसी न किसी तकनीकी बाधा, कोई नियमगत कोई समस्या जिसमें उनका कोई दोष नहीं था, ये भी नहीं कहूँगा कि उसमें विभाग का दोष था, लेकिन एक ऐसी जटिलता थी जिससे वो सब मेरे से भी इसी जगह पे आकर के ये लोग मिले थे। उन्होंने जो उनको वरिष्ठ बार बार रिवांस भी पेश करते थे, तभी ये सकारात्मक ऊर्जा भी मिली। सर से मैंने चर्चा किया था कि सर इस तरह के कुछ चुनिंदा संस्थान रहे हैं जो बंद हो गए हैं और उनका एकमुश समाधान करना ही हम लोगों का संकल्प था कि हम कुछ सिस्टमिक ऐसी व्यवस्थाएं लाएं कि वो उनको आना ना पड़े बार बार। और जो एक तरह से प्रक्रियागत बाधाएं थी उनका एक सार्थक समाधान हो, स्ट्रक्चरल एक सॉल्यूशन निकले, एक पॉजिटिव पर्सुएशन और जो नोटिसेज वो भी जा सकते थे गए, विभाग फाइनेंस सक्षम रहा के सेशन में और हम लोगों ने वहाँ उनको समझाया एक मुस्त समाधान किया जाएगा और आपको व्यक्तिगत रूप से इन्वाइट भी किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं सर इनके बार बार आने क्रम में ये निराश जरूर होते थे, कुछ तो मिले थे और उनके आँख में हमने सर आंसू भी देखा था। गोरखपुर कार्यालय ने अपने समाधान कार्यक्रम के अंतर्गत और प्रयास कार्यक्रम के अंतर्गत जिस तरह से हमारे जो कर्मचारी हैं अंशदाता हैं उनकी समस्याओं का समाधान किया है वो काफ़ी सराहनीय है। हम जोनल ऑफिस में रह के भी सरैया सुगर मिल से संबंधित बहुत सारी शिकायतें हमारे पास भी आती रहती थी और हम लोग कई बार इस पर चर्चा भी करते रहते थे कि किस प्रकार से इस मिल के जो कर्मचारी हैं बंद पड़ी हैं काफ़ी दिनों से उनके समस्याओं का एक बिल्कुल निश्चिंत और आखिरी समाधान निकाला जा सके। आज बड़े हर्ष का विषय है कि उसकी प्राथमिक समस्या थी कि उसमें कोई अथराइज सिग्नेटरी नहीं था क्लेम फॉर्म को साइन करने के लिए। हमारे क्षेत्रीय आयुक्त ने लिक्विडेटर के साथ उसके बंद पड़े मिल के प्रबंधन के साथ काफ़ी बातचीत करके और इस समस्या को सुलझाया और इस क्रम में जो इनका हमारे जो कर्मचारी हैं अंशदाता हैं लाभार्थी हैं
उनका जो हक बहुत पहले बनता था, जो उनको नियमित रूप से मिल जाना चाहिए था, उसके लिए भी कई कानूनी हो या प्रबंधन हो चाहे कार्यालय हो, किसी भी कारण से उनको काफ़ी दिनों तक कष्ट झेलना पड़ा। इसके लिए हम लोग उनके क्षमा प्रार्थी हैं। काफी विद्या को अपन केंद्रीय भविष्य आयुक्त सिंहासन साहब की तरफ से ये कहना सा पौधा भेंट किया जा रहा है। अंशिका, अनुराधा, रवि, अमित, कार्यालय प्रभारी महोदय की तरफ से ये पौधा दिया जा रहा है अमित कृष्णा को, अनुष्का अमन शिकायतों के समुचित एवं अस्थाई समाधान के क्रम में ही आज के इस कार्यक्रम की पृष्ठभूमि रखी गई थी। ईपीएफओ क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर से संबंधित कुछ पुराने प्रतिष्ठान थे, कुछ पुरानी कंपनियां हैं जो काफ़ी समय से बंद हैं और उसके अंशधारकों को कई वर्षों से प्रक्रियागत समस्याओं के कारण से काफ़ी तकलीफें आ रही थी, क्योंकि संस्थान बंद है, अगर कंपनी बंद है तो कोई उसका क्लेम फॉर्म अटेस्ट करने के लिए, जो छोटी छोटी बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं उस प्रक्रिया को कंप्लीट करने के लिए। तो उसी क्रम में हम लोगों ने कोशिश ये किया था कि इस समस्या को समझें और इसके लिए हमने लगभग 100 दिन का दैनिक लोक अदालत यहाँ आयोजित किया था, जो रोज़ प्रति कार्य दिवस पर होता था। और उस दरमियान हम जब पेंशनर्स से जो भी यहाँ लोग आते हैं पीएफ के मेंबर्स, उनसे जब हम व्यक्तिगत रूप से मिलते थे तो एक्चुअल पता चलता था कि उनकी डिफ़िकल्टी किस किस लेवल की है। उसी क्रम में सरया सुगर मिल यहाँ बहुत पुरानी कंपनी थी और 10 साल से अधिक समय से बंद है वो, और वह हितधारक अपने छोटी मोटी आवश्यकता के लिए पीएफ क्लेम पेंशन के लिए कई सालों से इधर उधर भटक रहे थे। तो फिर उसमें कैसे एक मुफ्त समाधान निकाला जाए कि अभी तक जो भी लंबित दावे हैं, जो शिकायतें, उसका निवारण करें और भविष्य में आने वाले जो भी उनके दावे होंगे उसका भी समुचित निपटान हो, उसी क्रम में हम लोगों ने जो एक मुफ्त समाधान की पहल की थी। और आज उन सभी पेंशनर को बुला करके उनको सम्मानित किया गया और ये एक उनको एक संदेश भी दिया गया कि अब तक जो भी व्यक्तिगत कारणों से आपको तकलीफ हुई है उसके लिए, उसके बावजूद भी ये विभाग आपका अपना है और आप इसके अंशधारक हैं, उनको इससे जोड़ा गया, उनसे वृक्ष लगवाए गए और साथ में एक कुछ शहर के प्रतिष्ठित लोग हैं जिन्होंने मतलब जो अपने सिविल सोसाइटी के लोग जो कि वैसे भी समाज में आगे बढ़ करके वंचितों के हितों में कुछ अच्छा योगदान करते हैं, तो उसी क्रम में हमने कुछ बड़े हॉस्पिटल से संपर्क करके अपने जो हमारे पेंशनर्स हैं ईपीएफओ क्षेत्रीय कार्यालय के पेंशनर्स बहुत 12 जिलों में फैले हैं, 1 लाख से ज़्यादा संख्या में हैं, तो उनकी दो समस्याएँ होती हैं हम देखते हैं हम लोग। एक तो उनके अंगूठे का निशान क्लियर नहीं आता है आधार के संदर्भ में, और दूसरा ये कि आयरिश में भी कई बार कैश नहीं कर पाता है, तो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेशन में दिक्कत आती थी। और उसी क्रम में फिर हमने इन अस्पतालों से संपर्क करके उनके मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए क्या मुफ्त में हो सकता उसकी पहल की थी, और ये बहुत सुखानुभूति है कि वे लोग आए सामने आए, मुफ्त में इन लोगों के ऑपरेशन का भी वो कार्यक्रम चल रहा है। सर, अनाथ बच्चों को भी सम्मानित किया गया सर जी। इसमें चूँकि ईपीएफओ जो सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है
ये जो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में से एक है जो कि समाज सुरक्षा के दायरे में आने वाली बाकी संस्थाओं की तुलना में, तो ये दो पोटेंशियल बेनिफिशरीज हो सकते हैं, एक तो जो बच्चे अनाथ हो गए और दूसरे जो वृद्ध हैं। क्योंकि अगर जो संगठित क्षेत्र का कामगार है अगर पीएफ का मेंबर है और उसकी असामयिक देहांत हो जाती है तो उनके बच्चों को पेंशन देता है विभाग, और कहीं ना कहीं जो अनाथ बच्चे थे वो इसके बेनिफिशरी हो सकते थे अगर उनके पिताजी संगठित क्षेत्र में काम करते और वो मतलब पीएफ के मेंबर रहते वो इसको कंटिन्यू किए होते, या वृद्ध वो जैसे कि 58 साल के बाद से हमारे पेंशन जो मेंबर्स हैं उनको पेंशन मिलता है, फैमिली पेंशन मिलती है। तो ये सिंबल एक तरह से संकेतवाद के माध्यम से भी जोड़ा गया इन दोनों चीज़ों को कि अगर समय रहते हम लोग एक सामान्य जो पीएफ का सदस्य हो सकता है वो सचेत है तो वो उसके उसकी भावी पीढ़ी और उसका फ्यूचर उसका बुढ़ापा संरक्षित है। इसलिए हमने दोनों तरह के तबकों को अनाथालय और वृद्धाश्रम दोनों तरफ से लोगों को बुलाया था, सम्मानित किया, उनसे वृक्षारोपण कराया, उनका नाम चिन्हित हमेशा रहेगा विभाग में, उनकी आइडेंटिटी जुड़ी रहेगी।